आज शहनवाज भारतीय व उनके सभी साथियों ने मिलकर जनता की कर्जा माफी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया। आपको बताते चले कि शहनवाज भारतीय अपने सभी साथियों के साथ सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद शहनवाज भारतीय अपनी पूरी टीम के साथ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। प्रदर्शन के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए शहनवाज भारतीय ने बताया कि कर्जा मुक्ति अभियान पिछले 10 महीने से चल रहा है, लाखों लोग अभियान में जुड़ चुके हैं और उनकी जानकारी अब तक 7 बार वित्त मंत्रालय और 4 बार प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी भी जा चुकी है, परंतु अब तक सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। सरकार के ही आंकड़े हैं कि पिछले 5 वर्ष में 50,000 से अधिक लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति कर्जे के कारण कोई भी गलत कदम उठाए, इसलिए सरकार को इस विषय की गंभीरता के बारे में बार बार बताया जा रहा है तथा सरकार से मांग की जा रही है कि वे लोग जो नोटबंदी, GST या लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हो जाने या नौकरी छूट जाने की वजह से कर्जे की दलदल में फंसे हैं, या तो सरकार उनका कर्जा माफ करे, और जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकती उनको कर्जा चुकाने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय दे। वहीं उनकी दूसरी मांग के मुताबिक जो लोग अब दुनिया में ही नहीं रहे और उनके बच्चों के पास कमाई का कोई भी साधन नहीं है, उनका तो पूरा लोन माफ हो जाना चाहिए, बच्चों के सर से छत ना छीने। वहीं उन्होंने अपनी तीसरी मांग भी बताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह अडानी के 12,770 करोड़ का लोन बीमा किया गया है, उसी तरह आम लोगों का भी कर्जा 2 वर्ष के लिए बीमा किया जाए। जनता की इन 3 मांगों को लेकर शाहनवाज चौधरी भारतीय और उनकी टीम ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल की है। वहीं शाहनवाज भारतीय ने कहा कि ऐसे सभी लोग जो यह मानते हैं कि सरकार को अमीरों की तरह आम लोगों, किसानों, व्यापारियों, नौकरी करने वाले लोगों का हर तरह का लोन माफ होना चाहिए, ऐसे लोगों की हमारी मुहिम को जोड़ना चाहिए, और क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा मानना यह है, जब जनता कर्जे की दलदल में फंसी हो उस समय सरकारों को, जैसे बड़े उद्योगपतियों को राहत देती है सरकार, जनता को भी राहत देनी चाहिए। समस्या ये आ रही है कि बड़े उद्योगपतियों को तो हर तरह की राहत दी जा रही है। गौतम अदानी जी का 12,770 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट कर दिया गया। हम ये मांग करते हैं कि आम जनता जो नोटबंदी, GST या लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसी है, उन लोगों को भी कर्जे से राहत दी जाए, या तो सरकार उनका कर्जा माफ़ कर दे, और यदि सरकार कर्जा माफ़ नहीं कर सकती है तो कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान। सबसे पहले हम सुबह राजघाट गए थे, वहाँ बापू की समाधि पर हमने पुष्प अर्पित किए और सरकार को सद्बुद्धि दें। महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमें चलना चाहिए, वो विदेशों में भी जा करके महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हैं, तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी उन्हें सद्बुद्धि दें, उनके दिमाग में ये आए कि अब जनता बहुत परेशान है। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज़्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है, और हमारी मांग सिर्फ यही है कि जो लोग मर गए, एक्सपायर कर गए किसी भी कारण से, उनका लोन का इंश्योरेंस था, लेकिन इंश्योरेंस होने के बाद भी सरकार ने या बैंकों ने उनकी सुध नहीं ली, उनके छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस तरह का काम जो भी कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पिछले 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम लोग पहले 7 बार वित्त मंत्रालय में डेलीगेशन भेज चुके हैं, और उसके बाद हम लोगों ने वित्त मंत्रालय के साथ साथ PMO में भी डेलीगेशन भेजा है, लेकिन वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। लेटर आते हैं, लेटर में कहा जाता है आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या तो बताइए। अरे, देश की जनता की समस्या ही हमारी समस्या, मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम के जो साथी बैठे इनमें किसी पर कर्जा नहीं है, लेकिन सरकार को जनता की सुध लेनी पड़ेगी, जनता कर्जे कारण बहुत परेशान है। NBC न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। We'll be right back.